بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم Dear students, we will discuss air pollutants today of the chapter Environmental Chemistry 1, Atmosphere. पिछले लेक्चर में हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर डिस्कस किए थे. आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आ गए होंगे. ओके, think of a situation when you're park or a vegetable farm, and second case you're near kiln or garbage dump, or you'll feel fresh. आप खुद सोच के मुझे बताइएगा कि आप पार्क में बैठे हों या किसी खेत में बैठे हों, फ्रेश इन्वायरमेंट में. सेकेंडली, आप किसी भट्टी जहाँ पर ईंटें बनती हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा स्मोक होता है, या आप किसी कूड़ेदान के साथ बैठे हों, तो आप क्या फील करेंगे, किस जगह पर ज्यादा फील आप करेंगे, फ्रेश कहाँ पर फील करेंगे. ओके, पॉल्यूटेंट्स इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, पार्टिकल ऑफ डस्ट, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये जस्ट उसके एग्जांपल्स हैं या टाइप्स हैं. कीड़े मार दवाइयाँ, जड़ी बूटियों वाली दवाइयाँ, ठीक है, खाद वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड्स होते हैं. ओके, इन चीजों का इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और ह्यूमन एक्टिविटी के जरिए ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं. डेफिनेटली ये जितने भी स्मोक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ह्यूमन की वजह से ही इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहे हैं, ह्यूमन बींग्स ही उनको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, बाय व्हीकल से, फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से. So definition कैसे करेंगे, anything that is in air, water or soil which has harmful effect on some part of the environment. हर वो चीज air में या water में या soil में, हर वो चीज जो जिसका environment के कुछ हिस्से पर, specific part पर harmful effect होता है, नुकसानदेह effect होता है, उस चीज को हम pollutant कहते हैं. क्या कहते हैं? Pollutant, ठीक है, environment को damage करता है, health को, quality of life को damage करता है, disturb करता है, pollutant. दूसरी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि हर वो चीज जो रॉन्ग कंसंट्रेशन में हो, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग टाइम पर हो, उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली यूजफुल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बगैर फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता. दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ. बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कंसंट्रेशन में हमारे रूम में आ जाए, ट्रैप हो जाए, तो दैट इज एट रॉन्ग प्लेस इन रॉन्ग concentration at wrong time, so वो हमारे लिए pollutant बन जाता है, नुकसानदेह बन जाता है. सल्फर ऑक्साइड एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस करते हैं. ओके, सिंपल, आपने देखा होगा कि रेशमी कपड़े जो होते हैं वो फेड्स अवे, यानी उनका रंग कम हो जाता है, खराब हो जाते हैं. क्यों? अगर वो एक हफ्ते के लिए या ज्यादा देर के लिए, कई दिनों के लिए हम उसको एयर में खुला छोड़ते हैं, बेसिकली पॉल्यूटेंट्स की वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड की वजह से होता है, जो उन रेशमी मॉलिक्यूल्स, सिल्क के मॉलिक्यूल्स या फाइबर्स के साथ रिएक्ट करके उनको खराब कर देते हैं, ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है, दैट इज हार्मफुल पॉल्यूटेंट, ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड रेडिली अब्सॉर्ब इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो सल्फर डाइऑक्साइड को इनहेल करता है तो फौरन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब्सॉर्ब हो जाता है. Irritant है, ठीक है, aggravates the symptom of people who suffer from, जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से बीमारियां होती हैं, दमा, ब्रोंकाइटिस, सिंफाइसमा वगैरह, या लंग डिजीज होते हैं, उनको काफी खराब करते हैं. जैसे ही वो कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स इनहेल करते हैं तो उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है, काफी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. ओके, ना कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सल्फेसमेंट आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है, इसके आंसर मेंशन है ऊपर. कार्बन मोनोऑक्साइड, जब आप पीस ऑफ वुड को बर्न करते हैं या किसी दूसरे ऑर्गेनिक को बर्न करते हैं, तो दो किस्म की गैसेस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. जब ऑक्सीजन की मिकदार कम हो, एयर की मिकदार कम हो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. जब एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है. हेडेक, सर दर्द, डिजनेस, सर चकराना, ये काज करता है अगर लंबे अरसे तक उसको इनहेल किया जाए, ठीक है, तो डेथ भी काज हो सकती है, और ये वाटर में सॉल्वल है.
कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली एयर पोल्यूटेंट नहीं है, बल्कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये पॉइजनस भी नहीं है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग काज करता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है उसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझ रहे कार्बन डाइऑक्साइड बजाते खुद बाई इटसेल्फ पॉइजनस नहीं है, लेकिन अगर रॉन्ग कंसंट्रेशन में रॉन्ग प्लेस पर हो तब वो नुकसान पैदा करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं जो कि एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, इनको एनओएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड कलरलेस है, ऑडरलेस है, कोई स्मेल कोई कलर वगैरह नहीं होता, एयर से उसकी डेंसिटी ज्यादा है और स्पेरिंगली हाफ सॉल्युबल इन वाटर है, कंप्लीट सॉल्युबल इन वाटर नहीं है, ठीक है। रेडिश, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसका कलर है रेडिश ब्राउन गैस है, पंजेंट ओडोर है, ठीक है, चुभने वाली बू होती है उसकी, जैसे लेट्स से अगर आप उसको सूंघते हैं उसको स्मेल करते हैं तो ऐसे फील होता है जैसे आपके नाक में किसी ने कांटे चबो दे हो, ठीक है। वाटर में काफी कंप्लीटली डिजॉल्व होता है, हाईली टॉक्सिक गैसेस हैं दोनों, लंग्स को डैमेज करते हैं और हेडेक सर दर्द और कफ वगैरह। मीथेन, जब डेड प्लांट मटीरियल डिके हो जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो मीथेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोड्यूस हो जाता है। इट इज रिलीज इन द एयर फ्रॉम मार्शेस, जो जोहड़ होते हैं, गंदे कूड़ा करकट होते हैं, कूड़ा दान होते हैं, ठीक है, स्वैम्प्स या राइस पेडी फील्ड्स होते हैं, तो गंदी जगह से ये रिलीज हो जाते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर डिकम्पोज हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई वगैरह उसको गला सड़ाकर, बैक्टीरिया उसको गला सड़ाकर जो है ना मीथेन प्रोड्यूस हो जाता है। तो रिजल्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन द एयर, मीथेन फॉर्म्स इरिटेटिंग एंड टॉक्सिक कंपाउंड्स। एयर में फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ रिएक्शंस थंडरस्टॉर्म के दौरान होते हैं, ठीक है, तो टॉक्सिक कंपाउंड्स इरिटेटिंग कंपाउंड्स मीथेन से जो है इरिटेटिंग कंपाउंड्स मिल जाते हैं। टॉक्सिक मीथेन फोटोकेमिकल रिएक्शन करके टॉक्सिक कंपाउंड्स बना देते हैं। बेसिकली मीथेन एक्सेलेंट हीट एब्जॉर्बर है और वाटर सॉरी ग्लोबल वार्मिंग भी काज करता है। कैसे काज करता है, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन केमिकली अनरिएक्टिव कंपाउंड्स है जिसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है, बेसिकली ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर स्प्रे में, एरोसोल स्प्रे में और प्रोपेलेंट्स वगैरह में यूज होते हैं। तो ये क्या करता है, हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप करता है और ग्लोबल वार्मिंग काज करता है। फिर वही बात, ग्लोबल वार्मिंग आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है स्ट्रेटोस्फेयर का बहुत बड़ा दुश्मन है, सॉरी ओजोन लेयर का बहुत बड़ा दुश्मन है, यानी कई सदियों कई दिहाइयों से पिछले 15-20-30 सालों से वो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन लेयर को अटैक करता चला जाता है। ओजोन लेयर में होल प्रोड्यूस ओजोन होल्स प्रोड्यूस करता चला जा रहा है जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो है ओजोन लेयर सही ट्रैप नहीं कर सकता, तो अल्ट्रावायलेट रेज उन ओजोन होल्स के थ्रू पास होकर अर्थ के अर्थ तक पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। ओजोन लेयर को भी इसमें डिस्कस करेंगे, ओजोन लेयर के टॉपिक में हम इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को डिस्कस करेंगे काफी डिटेल से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आल्सो कॉज स्किन एलर्जी, डैमेज टू लीवर, किडनीज, नर्वस सिस्टम, ये बीमारियां कॉज करता है। स्किन एलर्जी लीवर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है। लेड कंपाउंड्स, जब हम लेडेड पेट्रोल जो कि मोटर व्हीकल्स में यूज होता है या लेड बेस्ड पेंट्स पेंट्स वो पेंट जिसमें लेड या लेड के कंपाउंड्स यूज होते हैं, तो जब लेडेड पेट्रोल या फ्यूल वगैरह को जलाते हैं तब ये लेड पार्टिकल्स इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं, या पेंट्स वगैरह करते हैं जिसमें लेड होता है तो लेड पार्टिकल्स इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली लेडेड पेट्रोल वो पेट्रोल होता है जो एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट यूज होता है, यानी लेडेड पेट्रोल से फिर इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होती, नॉकिंग साउंड गड़बड़ की साउंड प्रोड्यूस, ज्यादा शोर प्रोड्यूस नहीं होता, स्मूथली रन करता है। सो दैट्स व्हाई पब्लिक जो है लेडेड पेट्रोल यूज करता है करते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो बर्न होता है कंबस्ट होता है पेट्रोल तो लेड
के कंपाउंड्स वो रिलीज हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। ह्यूमन बीइंग्स ऑलमोस्ट चिल्ड्रन में ब्रेन डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा मुतासर करते हैं, ठीक है, और जब बहुत ज्यादा हो जाए तो ये फेटल यानी मोहलक भी हो सकता है, डेथ भी कॉज कर सकता है। ओजोन ब्लू गैस है, अनप्लेजेंट ओडोर है, ठीक है, उसकी स्मेल बहुत गंदी सी होती है, कड़वी होती है। ट्रोपोस्फेयर में ओजोन ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, अस्थमा, आई इरिटेशन कॉज करते हैं। बेसिकली ओजोन हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में हो, जब वो अपना काम कर रहा हो, जब अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब या फिल्टर कर रहा हो सन रेज में से, ठीक है, लेकिन अगर ट्रोपोस्फेयर में आ जाए, हमारे इन्वायरमेंट हमारे करीब आ जाए, अर्थ के करीब आ जाए, सो दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अस्थमा, आई इरिटेशन कॉज करता है। ये फ्लो चार्ट है एयर पॉल्यूटेंट्स की, ये कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है। ये रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रेट के, ये दोनों सॉल्व हुए हुए। अच्छा, सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन कौन कौन से हैं, याद रखें, एयर दैट कंटेन्स हार्मफुल पार्टिकल्स एंड गैसेस आर सेड टू बी पॉल्यूटेड, वो एयर जिसमें हार्मफुल पार्टिकल्स जो हैं गैसेस, उसको हम पॉल्यूटेड एयर कहते हैं। कुछ एयर पॉल्यूशन नेचुरली होती है, लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज। नेचुरल कौन कौन सी हैं, जब फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है या डस्ट स्टॉर्म आ जाता है, तो उसके जरिए बहुत ज्यादा स्मोक और डस्ट एयर में इंटर हो जाते हैं, जो कि नेचुरल सोर्स है एयर पॉल्यूशन का, एयर जो है ना पॉल्यूट हो जाती है। वोल्केनो इरप्शन जब होती है तो डस्ट के क्लाउड्स और पॉइजनस गैसेस अलोंग विद एश रॉक के समेत आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉइजनस गैसेस रिलीज हो जाते हैं, डस्ट रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने सर्च करना है, विच गैस इज इमिटेड बाय वोल्केनोस, कौन कौन सी गैसेस वोल्केनोस एरप्शन के दौरान रिलीज होती हैं। टर्माइट्स एंड काउज आल्सो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन इन द एयर, जो दीमक है या काउज है वो मीथेन रिलीज करते हैं। कंसिडरेबल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस जब होती हैं ज्यादा मिकदार में या थंडरस्टॉर्मिंग होती हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो जाती है। दैट इज आल्सो द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ह्यूमन एक्टिविटीज कौन कौन सी है भला, एयर पॉल्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, यानी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो कि फॉसिल फ्यूल्स है, उसको जब हम बर्न करते हैं उसकी वजह से भी काफी गैसेस रिलीज हो जाती हैं। ऑलमोस्ट आधी मीनिंग 50% एयर पॉल्यूशन जो है वो कार्स और मोटर व्हीकल से होता है, ठीक है। फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स भी एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, कैसे, जब वो कोयला या आयल बर्न करते हैं तो उसकी वजह से पॉइजनस गैसेस एयर में रिलीज हो जाती हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल को जब हम चलाते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह जलाते हैं, या इंसिनरेशन जब कूड़े करकट को हम जो गन है उसको हम बर्न करते हैं, तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड वगैरह रिलीज हो जाते हैं। पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब कार्बन लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाते हैं। कौन कौन से नुकसान है आगे पहले पढ़ चुके हैं हम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यहाँ पर भी डिटेल से डिस्कस करते हैं, एज ए सॉल्वेंट यूज होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट बोर्ड को, लेट्स से कंप्यूटर के मदरबोर्ड को साफ करने के लिए रेफ्रिजरेंट, फ्रिजेस में उसको यूज करते हैं, फ्रिज वगैरह में एज अ गैस, या एयर कंडीशन एसी वगैरह में यूज करते हैं। एरोसोल स्प्रेज जो होते हैं उस एज अ प्रोपेलेंट यूज करते हैं, एयर फ्रेशनर, हेयर स्प्रेज, ड्यूरेंट स्प्रेज, स्प्रे पेंट्स, बेसिकली एयर प्रोपेलेंट ये होता है, यानी उन मॉलिक्यूल्स को हाई प्रेशर से बाहर निकालते हैं। लेट्स से एयर फ्रेशनर है तो उसमें जो फ्रेग्रेंस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको प्रेशर से बाहर निकालने के लिए, प्रॉपरली निकालने के लिए उसको हम यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर जब ये स्प्रेज वगैरह बन रही होती हैं या जब उसको यूज कर लेते हैं, उसको जाया कर लेते हैं,
तो ये कंपाउंड एयर में रिलीज हो जाते हैं। सिमिलरली पहले मैं बताया कि लेडेड पेट्रोल जो कि एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट शोर को खत्म करने, इंजन में शोर प्रोड्यूस न करने वाला जो पेट्रोल होता है वो जब बर्न होता है, कंबस्ट होता है, तो लेडेड कंपाउंड या लेड पार्टिकल्स इन्वायरमेंट पे रिलीज हो जाते हैं, या लेड बेस्ड पेंट्स, ऐसे पेंट्स जिसमें लेड प्रोड्यूस प्रेजेंट होता है, जब वो पेंट हम यूज करते हैं उस वजह से लेड पार्टिकल्स जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। ओजोन भी ह्यूमन एक्टिविटी, अच्छा ये हम सारी ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्कस कर रहे हैं, नहीं ह्यूमन कौन कौन से काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को एयर इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है या एयर पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास होती है, लेट से थंडरस्टॉर्म के दौरान इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास होती है, ठीक है, या बड़े बड़े डैम्स में या ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में बड़े बड़े शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, या सिमिलरली कोई बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, मशीनरीज होती हैं, जैसे फोटोकॉपियर, टेलीविजन सेट या कोई और ह्यूज मशीनरी होती हैं, उनमें जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते रहते हैं तो उन डेफिनेटली ऑक्सीजन हर जगह मौजूद है, तो ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करके ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ओजोन हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और इफेक्ट उसके पड़ चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है, सो ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है एयर को पॉल्यूट करने की। आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, न समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।